मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना जिले के राघोगढ़ में आयोजित मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन में 134 करोड़ 12 लाख की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी बहनों, 10 जून को लाडली बहना योजना की पहली किस्त डाली थी, अब 10 जुलाई को फिर आपके खातों में 1,000 रूपए डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राघोगढ़ में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित सीएम राइज स्कूल का शिलान्यास किया है। इस स्कूल में बसें भी चलेंगी जो बच्चों को गांव-गांव लेने और छोड़ने जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राघोगढ़ में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का हितलाभ प्रदान कर उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बहनों, मैंने आपको वचन दिया था कि हर महीने 10 तारीख को आपके खाते में 1,000 रूपए ट्रांसफर किए जाएंगे, अब 10 जुलाई को दोपहर 1 बजे इंदौर से मैं आपके खाते में राशि डालूंगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रविंद्र भवन भोपाल में स्वर्गीय श्री स्वामी प्रसाद लोधी जी की पूर्ण स्मरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की और उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से एम्स भोपाल के नव नियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर सुनील मल्लिक ने निवास कार्यालय में भेंट कर एम्स में व्यवस्थाओं और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में नीम, जामुन और महुआ के पौधरोपण, उनके साथ श्री सौरभ कुशवाहा एवं सुश्री मणि देवी ने भी पौधरोपण किया और मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से इलाज कराने पर आभार व्यक्त किया। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के 2 वर्ष के कार्यकाल की पूर्णता पर राजभवन में सागौन का पौधा लगाया। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर भी मौजूद थीं। मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने शुजालपुर की गुलाना तहसील में 17 जुलाई को आयोजित होने वाले सीएम राइज स्कूल के लोकार्पण समारोह स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।